बस्मीम अजीज तलबा तालबा आज थ्यूरी ऑफ ऑटोमेटा का ट्वेल्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे इससे पेशर कि हम ट्वेल्थ लेक्चर स्टार्ट करें मैं चाहूंगा कि गुजशत लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र देख ली जाए तो आई स्लाइड की तरफ चलते हैं लास्ट टाइम वी डिस्कस द प्रूफ ऑफ क्लिन थेरम पार्ट टू मैथड विद डिफरेंट स्टेप्स पार्ट टू ये था कि इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय टीजी, जी देर एग्जिस्ट एन आर ए कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट लैंग्वेज इसके डिफरेंट स्टेप्स इन जनरल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए और बाद में इन पर्टिकुलर कुछ टीजीज की एग्जाम्पल्स ली और उनके कॉरस्पोंडिंग आर डिटरमिन किए और कोशिश की गई कि उन तमाम स्टेप्स जो आपको बताए गए थे उनके पॉसिबलिटीज को सामने रखते हुए हमने उसको डिस्कस किया अजीज तलबा थ्योरम पार्ट टू के प्रूफ का सिलसिला जारी है और उसके प्रूफ के लिए हमने इन जनरल स्टेप्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे और कुछ एग्जांपल्स हमने इन पर्टिकुलर भी देखें तो मैं ये चाहूंगा कि इन एग्जांपल्स को का सिलसिला जारी रहे और इसका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मजीद एग्जाम्पल्स आज देख सकें तो इसके लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि कंसिडर द फॉलोइंग टी नाउ दिस डिज ही कंसिस्ट ऑफ फोर स्टेट्स वन टू थ्री फोर वन भी इनिशियल है और टू भी इनिशियल स्टेट है वेयर स्टेट थ्री एंड फोर आर स्पोज टू बी फाइनल स्टेट्स तो अब यहां इनिशियल स्टेट भी दो हैं एक से ज्यादा और फाइनल स्टेट्स भी एक से ज्यादा हैं और हमारा टारगेट ये है कि इनिशियल स्टेट भी सिंगल हो और फाइनल स्टेट भी सिंगल हो तो इसके लिए हमने इनको सिंगल बनाने के लिए नेक्स्ट uh, स्टेप देखते हैं आप नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं कि वो इंट्रोड्यूस्ड एन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट एंड द स्टेटस ऑफ स्टेट वन एंड टू विच प्रीवियसली इनिशियल स्टेट्स हैव बीन स्टेट उनके स्टेटस को हमने खत्म कर दिया और ये नॉन इनिशियल हो गई फाइनल भी नहीं है स्टेट थ्री और फोर के फाइनल स्टेटस भी ड्रॉप कर दिए गए जैसे कि मैथड बताया गया था और नई इनिशियल स्टेट को स्टेट वन और टू से नल ट्रांजिशन के जरिए मिला दिया गया जबकि स्टेट्स थ्री और फोर को फाइनल स्टेट से नल ट्रांजिशन के जरिए मिला दिया गया हमने अभी इनिशियल स्टेट्स और फाइनल स्टेट्स को सिंगल में कन्वर्ट किया जो हमारा शुरू से टारगेट रहा और उसके लिए वही मेथड के हमने नई इनिशियल और नई फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस कराई और उनको नल ट्रांजिशन से मिला दिया गया और चूंकि हमारा टारगेट जीटीजी बनाना है जिसमें एक इनिशियल स्टेट हो और एक फाइनल स्टेट हो और एक ही ट्रांजिशन इनिशियल से फाइनल की तरफ जा रही हो और चूंकि डीजीटीजी में ट्रांजिशंस के लेबल रेगुलर एक्सप्रेशंस होती हैं वही रेगुलर एक्सप्रेशन बाद में उस टी की रेगुलर स्प्रेशन तस्वर हो सकेंगी तो इस टारगेट को हासिल करने के लिए आइए मदी स्टेप्स देखने के लिए स्लाइड्स पर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि दो ट्रांजिशन वन से थ्री की तरफ जा रही थी और दो ट्रांजिशन टू से फोर की तरफ जा रही थी प्रीवियसली उनको सिंगल करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस जस्ट सिंगल वन फ्रॉम वन टू थ्री एंड अ सिंगल ट्रांजिशन फ्रॉम टू टू फोर एंड यू नो वेन एवर वी रिड्यूस टू ट्रांजिक्शन टू सिंगल देर कॉरस्पोंडिंग रेगुलर स्पेशन आर टू बी समको सम कर देते उनके जमीन प्लस लगा देते तो यही चीज आप इस स्टेप में देख रहे हैं कि वन से थ्री के लिए जो दो ट्रांजेक्शन थी उनको हमने एक से कन्वर्ट कर दिया एक में कन्वर्ट किया और कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर स्पेशन के दरमियान प्लस इंसर्ट कर दिया और इसी तरह से टू फोर की तरफ जो ट्रांजिशन जा रही है उनमें दोनों कोरोस्पॉडिंग जो रेगुलर स्पेशन थी ट्रांजक्शन की उनको लिख दिया गया और درمیان में प्लस कर दिया गया नाउ टू इलिमिनेट स्टेट वन टू थ्री एंड फोर अब टीजी कैन बी रिड्यूस्ड टू दीजी अजीज तलबा मैंने स्टेट वन थ्री टू फोर की बात की चूंकि यही वो स्टेट्स हैं जो इनिशियल से फाइनल की तरफ मिलाने के लिए नजर आ रही हैं और हमारा टारगेट एक सिंगल ट्रांजिशन लेना है तो पहला स्टेप यही हम करना चाह रहे हैं कि वन और थ्री को इलिमिनेट कर दिया जाए और साथ ही लोअर पार्ट में जो टू और फोर है इनको इलिमिनेट कर दिया जाए इसको इलिमिनेट करने के बाद जो डायग्राम आ रही है वो देखने के लिए आइए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि हमने इनको इलिमिनेट कर दिया और जाहिर है कि देर थ्री ट्रांजिशंस लिंक फ्रॉम इनिशियल वन थ्री एंड फर्स्ट फाइनल स्टेट। इन तीनों को इकट्ठा किया और तीनों को कैनकेटिनेट कर दिया क्योंकि सीक्वेंस में अगर ट्रांजिशन आ रही हों और इनको सिंगल में रिड्यूस करना हो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर स्टेशन को उसी सीक्वेंस में ट कर देते हैं तो एक तो हमने काम यह किया लेकिन स्टेट थ्री और फोर दोनों पे लूप आ रहा है और लूप का लेबल बी है और मैंने बताया था कि जब लूप को इलिमिनेट करना हो, तो जो भी उसकी रेगुलर स्पेशन लिखी हो उसका स्टार भी लगाया जाता है तो इसलिए आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली ट्रांजिशन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इन द लोअर डायग्राम मैं लोअर डायग्राम की बात करूं तो वहां आप देख रहे हैं कि नर्सिंग बी प्लस डबल ए दरमियान वाली ट्रांजिक्शन थी बी स्टार लूप है और नल स्टेंग आखिर में है तो इनको हम उसी तरतीब से जिस तरतीब में ये ट्रांजिक्शन इनिशियल से स्टेट वन स्टेट वन से स्टेट थ्री स्टेट थ्री पर लूप और स्टेट थ्री से फाइनल स्टेट की तरफ जिस तरतीब में जा रहे थे उसी तरतीब में हमने इनको लिख दिया अजीज तलबा अभी अपने टीजी का अपब अब पार्ट जो नजर आ रहा था आपको जिसमें वन और थ्री को लिमिनेट करना मकसूद था वो दिखाया गया जबकि लोअर पार्ट बाकी है और लोअर पार्ट में भी हमने एक ही ट्रांजिशन शो करनी है दिस इज क्वाइट सिमेट्रिक सिमिलर लाइक व्हाट वी हैव हाँ डन फॉर द अपर पार्ट तो आइए लोअर पार्ट के, के लिए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं तो लोअर पार्ट में आप देख रहे हैं इनिशियल से फाइनल की तरफ भी एक ही ट्रांजिशन एक और दिखा दी गई और इसमें तीन ट्रांजिशन को बल्कि दरमियान में एक लूप भी है स्टेट फोर का इन सबको एलिमिनेट किया गया और एक बनाया गया और उसी तरतीब के साथ कि जो लेबल इनिशियल से टू की तरफ ट्रांजिशन पे आ रहा है उसको पहले लिखा फिर टू से फोर की तरफ जो लेबल है उसको बाद में लिखा चूंकि कैनकेटिनेट करना था इसलिए हमने ब्रैकेट भी इस्तेमाल की और फोर पे जो लूप है लूप की का लेबल या रेगुलर एक्सप्रेशन सिर्फ ए है और जब लूप को एलिमिनेट करते हैं तो ए स्टार से वो स्टार भी आपको नजर आ रहा है और फोर से फाइनल पर जाते हुए नल स्टेंग वो भी एंड पर दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स अब तक हमने जो दिया गया टीजी था जिसके लिए हम रेगुलर स्पेशन लिखना चाह रहे हैं और टारगेट ये है कि एक जीटीजी बना दिया जाए जिसमें एक निशल स्टेट हो एक फाइनल हो एक ट्रांजिशन हो और उसी ट्रांजक्शन की जो रेगुलर स्पेशन है वही हमारी रिक्वायर्ड रेगुलर स्पेशन हो सकेगी तो अब तक हमने इनिशियल और फाइनल एक स्टेट के साथ दो ट्रांजिशन शो कर दिए अब उन दो ट्रांजिशन को भी सिंगल में कन्वर्ट करना है जिसको हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और वो स्टेप देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में पिछली ही डायग्राम हमने दोहरा दी है ताकि वो आपके सामने रहे और उसके बाद इनको एक करने के लिए मैंने लिखा है टू कनेक्ट द इनिशियल स्टेट विद द फाइनल स्टेट बाय सिंगल ट्रांजिशन एच द अबव टीजी कैन बी रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग ये पहले ही बताई जा चुकी बात कि अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ एक से ज्यादा ट्रांजिशन आ रही हों उनको एक ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर स्पेशन के दरमियान प्लस साइन इंसर्ट करते हैं और यही आप इसमें देख रहे हैं लोअर डायग्राम में जो अब अपर डायग्राम है वो तो प्रीवियस डायग्राम थी ताकि आप कंपेयर कर सकें इसलिए दोनों डायग्राम दिखाई जा रही तो लास्टली जो टी जी हमने स्टार्ट किया था अब जी टी जी की ऐसी फॉर्म में आ गया कि एक इनिशियल स्टेट है एक फाइनल स्टेट है और एक ही उसका आपको लेबल नजर आ रहा है यही लेबल रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है हेंस रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन इज बी डबल ए इंटू बी स्टार प्लस ए प्लस डबल बी इंटू ए स्टार आप देख रहे हैं कि पहला पार्ट बी प्लस डबल ए इंटू बी स्टार और दूसरा पार्ट ए प्लस डबल बी इंटू ए स्टार ये दोनों अलग अलग ऊपर वाली डायग्राम के लेवल थे जिनको हमने प्लस कर दिया और यही रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन हैलबा हमने एक रेगुलर स्पेशन देखी टीजी के कॉरेस्पॉन्ड में आपको बताता चलू कि किसी भी टीजी के कॉरस्पोंड एक से ज्यादा रेगुलर स्पेशन बनाई जा सकती है क्योंकि एक लैंग्वेज के लिए एक से ज्यादा एक्सप्रेशन हो सकती है तो इसलिए वो लैंग्वेज जब किसी टी में एक्सेप्ट हो रही होगी तो उसके लिए एक से ज्यादा रेगुलर स्पेशन बनाई जा सकती हैं। आप अपने तौर पर से मुख्तलिफ रेगुलर स्पेशन लिखने की कोशिश करें और चेक करें जो स्ट्रिंग इस में एक्सेप्ट हो रही है वो उस रेगुलर स्पेशन से जनरेट हो सकती हैं जो आपने लिखी नंबर वन नंबर टू जो रेगुलर स्पेशन आपने लिखी उससे जनरेट होने वाली तमाम स्टैंक दिए हुए टी में एक्सेप्ट होना जरूरी है ऐसी ही सूरत में आपकी बनाई हुई रेगुलोस्पेशन एग्जैक्ट रेगुलेशन तस्वर होगी हमारी एग्जांपल्स का सिलसिला जारी है मैं चाहूंगा कि मजीद एग्जांपल्स देखने के लिए आइए स्लाइड पर चलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग टीजी एक्सेप्टिंग इवन इवन लैंग्वेज बता भी दिया गया कि इस टीजी में जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है वो ईवन ईवन लैंग्वेज है और टीजी की एग्जाम्पल्स में आपको याद होगा कि यह एग्जाम्पल आपको दिखा दी गई थी और हमारा टारगेट यह है कि जो इवन इवन लैंग्वेज की रेगुलर स्पेशन आपको बताई जा चुकी थी क्या वो यहां से जनरेट हो सकती है या नहीं इस डायग्राम को देख लीजिए कि इसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है एक लूप स्टेट वन पर है एक ट्रांजिशन स्टेट वन से टू की तरफ जा रही है एक लूप स्टेट टू पर है और एक ट्रांजिशन स्टेट टू से वन की तरफ जा रही है अजीज तलबा ये ऐसी एग्जाम्पल आ गई जहां इनिशियल स्टेट फाइनल बी है ये बिल्कुल उससे बरक्स है कि हमारे पास इनिशियल स्टेट एक से ज्यादा हो या फाइनल स्टेट एक से ज्यादा हो और सिंगल कन्वर्ट करें यहां तो ऑलरेडी एक स्टेट इनिशियल भी है और फाइनल भी है सो देर आर टू टारगेट्स इसके जीटीजी लिखने की दो पॉसिबिलिटीज हैं आपको याद होगा कि मैंने शुरू में जब रेगुलर स्पेशन लिखने की बात की थी तो मैंने ये बताया था कि रेग टी के कॉरस्पॉन्ड ऐसा जी बनाने की कोशिश की जाएगी जिसमें एक इनिशियल स्टेट हो एक फाइनल हो और एक ही ट्रांजिशन हो या एक इनिशियल हो वही फाइनल हो और उसी के ऊपर लूप हो तो यहां जो पॉसिबिलिटी आपको दिखाई जाएगी वो एक इनिशियल एक फाइनल और एक ट्रांजिशन की होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीटीजी बनाने के लिए अब चूंकि इनिशियल फाइनल भी है इनको सेपरेट करने के लिए क्या किया जाए ये देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते आप देख रहे हैं डायग्राम में कि हमने दो अलग अलग स्टेट्स इंट्रोड्यूस कराई स्टेट थ्री फॉर इनिशियल एंड स्टेट फोर फॉर फाइनल और स्टेट थ्री को वन से नल ट्रांजिशन के जरिए मिला दिया और वन को फोर से नल ट्रांजिशन से मिला दिया स्टेट वन पहले इनिशियल और फाइनल स्टेट थी इसके ये दोनों स्टेटस ख़त्म कर दिए गए ऐसा करने से वो तमाम स्ट्रिंग्स जो वन से वापिस वन पर आती थी एक्सेप्टेड तस्वर होती थी अब थ्री से फोर पर जाकर एक्सेप्टेड तस्वर होंगी और फर्क इतना रहेगा कि उन तमाम स्ट्रिंग्स से जो पहली सूरत में एक्सेप्ट हो रही थीं, उनके शुरू में भी नल स्ट्रिंग आ सकेगा और बाद में भी एक नल स्ट्रिंग आ सकेगी आप देख रहे हैं कि अगर किसी भी स्टेंग से शुरू में हम नल स्टिंग लगा दें और उसके आखिर में भी नल स्टिंग लगा दें तो स्ट्रिंग में फर्क नहीं पड़ता स्टेंग रिमेन अनचेंग तो ऐसा करने से हमने इस टी जी में एक्सेप्ट होने वाली लैंग्वेज को बिलोंग करने वाली तमाम स्टेंग्स के शुरू में नल स्टिंग और बाद में नल्सटिंग का इजाफा किया है और ऐसा करने से फर्क नहीं पड़ता इसलिए ये टी जी वही लैंग्वेज एक्सेप्ट करेगा जो गिवन टी जी था और इस तरह से हमारा टारगेट कि एक इनिशियल और एक फाइनल सेपरेट हो सके वो भी अचीव हो गया अब मजीद स्टेप्स देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमें स्टेट टू को एलिमिनेट करना है स्टेट टू अगर एलिमिनेट हो जाए तो स्टेट टू बेसिकली वन से टू और टू से वन के लिए दरमियान में काम कर रही है तो एक तरह का एक सर्किट हम देख रहे हैं वन और टू के दरमियान है हमें टू को इलिमिनेट करना है ताकि वन से दोबारा हम फोर पर आ सके और इस तरह से सर्किट को इलिमिनेट करने के लिए हमें आप देख रहे हैं कि तीन पाथ थे वन से टू के लिए और टू पर एक लूप था और टू से वन की तरफ वापस एक पाथ आपको नजर आ रहा है और अकॉर्डिंग टू रूल्स हम चूंके स्टेट टू को बाईपास करना चाह रहे हैं इसलिए इन तीनों ट्रांजिशंस को कंकेटिनेट करना है इनके लेबल्स को कनकेटिनेट करना है और इसी सीक्वेंस में कैनकेटिनेट करना है तो इस कनकेटिनेशन को हम नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि स्टेट वन पर एक लूप लगा दिया गया बेसिकली एक लूप पहले ही एग्जिस्ट कर रहा था वो आपको दिखाई दे रहा है डबल ए प्लस डबल बी और स्टेट टू को एलिमिनेट करते हुए चूंकि ये वन से वन पर वापस आएगा पाथ तो इसको लूप की शक्ल देनी थी और उसी सीक्वेंस में वन से टू और टू का लूप और टू से वापस वन उन्हीं लेबल्स को हमने सीक्वेंस में लिख दिया लेकिन याद रहे कि जो टू पर लूप था उसकी रेगुलर स्पेशन डबल ए प्लस डबल बी थी लेकिन चूंकि लूप को एलिमिनेट किया जा रहा है इसलिए इस पूरे पर स्टार भी दिखा दिया गया और चूंकि पूरे पर स्टार दिखाना था इसलिए हमने दोनों साइड्स पर ब्रैकेट्स भी यूज की और इस तरह से यह पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी एन टू डबल ए प्लस डबल बी स्टार इनटू टू ए बी प्लस बी ए उस सर्किट की रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई जो अब लूप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है तो अब तक हमने एक स्टेट टू को इलिमिनेट किया स्टेट वन के लिए हमने थ्री और फोर इंट्रोड्यूस करा दी और अभी हमारा सिलसिला बाकी है अजीज तलबा जो जैसा कि बताया था कि हमारा टारगेट एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट लेना है दोनों के दरमियान एक ट्रांजिशन बनानी है और उसी का लेबल चूंकि जीटीजी की शक्ल में हम देना चाह रहे हैं वही रिक्वायर्ड रेगुलर स्पेशन हो सकेगी तो ये सिलसिला जारी है और अभी तक कंप्लीट हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए तो मैं चाहूंगा मजीद डिस्कशन के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब यहां हमारा टारगेट ये रहेगा कि स्टेट वन को एलिमिनेट कर दिया जाए सो टू है द टी टीजी मे बी रिड्यूस टू द फॉलोइंग पहले हमने उस जो दो लूप हमारे पास वन के आ रहे थे उनको सिंगल में कन्वर्ट किया जो आप डायग्राम में देख रहे हैं और जब आप दो लूप को एक में कन्वर्ट करते हैं उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेगुलर स्पेशन में सम यूज किया जाता है प्लस का साइन लगाया जाता है डबल ए प्लस डबल बी होल स्टार ए बी प्लस बी एगुलर स्पेशन दूसरे लूप वाली रेगुलर स्पेशन और दोनों को प्लस में इकट्ठा कर दिया तो इस तरह से ये एक लूप बन गया हमारा टारगेट अब नेक्स्ट ये है कि वन को बाईपास किया जाए क्योंकि थ्री से फोर पर पहुंचने के लिए हम वन को यूज करें। सो टू इलिमिनेट स्टेट वन द अब टीजी जी मे बी रिड्यूस्ड टू द फॉलोइंग जहां आप देख रहे हैं कि थ्री से वन के लिए नल ट्रांजिशन थी वो नल लिख दी गई थ्री पर जो लूप था अब उस लूप पर भी एक स्टार लगेगा क्योंकि लूप की जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो एक बार उस लूप को यूज करने वाली स्टैंक को जाहिर करती है जबकि लूप इंफिनिट मैनी टाइम्स लिया जा सकता है इसलिए इसको टोटल हमने एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके एक और स्टार लगा दिया और बाद में हमने स्टेट वन और फोर की तरफ जाने वाली नल ट्रांजिशन की नल ट्रांजिशन ही को नल स्टैंक को लिख दिया और इस तरह से एक रेगुलर एक्सपेशन मिल गई जो सिंगल इनिशियल से सिंगल फाइनल की तरफ जा रही है इसका लेबल एक रेगुलर एक एक्सप्रेशन है तो इस एतबार से हम ने एक जी टी जी बना लिया हेंस, प्लस डबल बी प्लस ए बी प्लस बी ए डबल ए प्लस डबल बी होल स्टार इनटू ए बी प्लस बी ए होल स्टार यहां आप देख रहे हैं कि दोनों साइड्स के नल ट्रांजिशन को हमने खत्म कर दिया क्योंकि फर्क नहीं पड़ सकता दरमियान में Uh, सारी नॉन एम स्ट्रिंग स्टिंग जनरेट हो रही है तो इस, इन दोनों स्ट्रिंग्स को इलिमिनेट किया जा सकता है सो दिस इज द रिक्वायर्ड रेगुलर डियर स्टूडेंट्स हमने टी लैंग्वेज के, के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट की उन्हीं स्टेप्स को फॉलो किया जो आपको बताए गए थे और हमने एक ऐसा जी बना लिया जिसमें एक इनिशियल स्टेट और एक फाइनल और एक ही ट्रांजिशन थी यहां बताता चलू कि हम इस इन इनिशियल और फाइनल को सेपरेट किए बगैर भी हम जीटीजी जी बना सकते थे सिंगल इनिशियल और वही फाइनल एक लूप की शक्ल में और बहुत ही आसान है क्योंकि इसके ऊपर एक लूप स्टेट वन पर इनिशियली अगर आपको डायग्राम जहन में हो ऑलरेडी था और वन से टू की तरफ एक ट्रांजेक्शन जा रही थी टू पर एक लूप लगा हुआ था टू से वन की तरफ एक और ट्रांजेक्शन जा रही थी तो इस वन और टू के सर्किट को एक लूप में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें और बाद में ये दोनों लूप इकट्ठे हो जाएं और जब लूप को लिखा जाए रेगुलर स्पेशन में तो वो स्टार की शक्ल इख्तियार कर लेता है आपको यही रेगुलर स्पेशन दोबारा मिल जाएगी मुझे उम्मीद है कि आप ये सारा प्रोसेस अपने तौर पर कर सकेंगे हमारी डिस्कशन का सिलसिला जारी है आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं क्लिनस्रम पार्ट थ्री आपको याद है कि हमने क्लिनस्थेरम के तीन पार्ट शुरू में कहे थे फर्स्ट पार्ट के बारे में कह दिया था कि इट्स नथिंग टू देर इज नथिंग टू प्रूव सेकेंड को पर डिटेल के साथ डिस्कस किया और तीसरे की स्टेटमेंट है इफ द लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट एनएफए एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज अब कहना यह चाह रहे हैं कि कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन दे दी जाए किसी लैंग्वेज के लिए तो हम उसके कॉरस्पॉन्ड एफ बना सकते हैं अब इसके प्रूफ के लिए इन जनरल प्रूफ जरा मुश्किल रहेगा तो हम चाहेंगे कि इसको स्टेप वाइज थोड़ा सा मैं आपको बता सकूं तो यहां हम देख रहे हैं जो मैंने पार्ट ए आपके सामने दिखाया है एज द रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑप्टेन अप्लाइंग एडिशन कैनकेटिनेशन एंड क्लोजर ऑन द लेटर्स ऑफ एन एल्फाबेट एंड द नलस्टिंग एज वेल क्योंकि नल स्टिंग भी हम यूज कर लेते हैं रेगुलेशन में और नर्सटिंग खुद भी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है सो कॉरस्पोंडिंग एफ ए सो वायल बिल्डिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन सम कोरोस्पोंडिंग एफ ए मे बी बिल्ट इजीली

तो आप नर्सिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए डायरेक्ट एफ बना सकते हैं सो टाइम द रेगुलर स्पेशन वेरी सिंपल टू बिल्ड देयर कॉरसपॉन्डिंग एफ एज तो पहले हम उन सिंपल रेगुलर की एग्जांपल देखेंगे और फिर हम इन जनरल बात करेंगे तो आइए सिंग सिंपल एग्जांपल्स के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं कंसिडर द लैंग्वेज डिफाइंड ओवर सिग्मा कंसिस्टिंग ऑफ ए बी एंड द स्टेंगस कंसिस्टिंग ऑफ दिस लैंग्वेज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली बी इसमें सिर्फ एक लेटर बी आ रहा है इस लैंग्वेज में जबकि अल्फाबेट में दो लेटर देन दिस लैंग्वेज मे बी एक्सेप्टेड बाई द फॉलोइंग एफ ए यहां दोबारा मैंने मे बी का लफ्ज इस्तेमाल किया यह बता चुका हूं देयर मे बी मोर देन वन एफ ए फॉर सर्टन लैंग्वेज आप देख रहे हैं कि एक इनिशियल स्टेट है एक स्टेट वन है एक फाइनल स्टेट है इनिशियल को फाइनल से आ, मिला दिया और उसका लेबल बी किया इस तरह से लेटर बी एक्सेप्ट हो गया अब चूंकि एफ ए है हमें फाइनल स्टेट के लिए भी ट्रांजेक्शन दिखानी है और इनिशियल स्टेट पर अभी लेटर ए की ट्रांजेक्शन बाकी थी उसके लिए हमने स्टेट वन इंट्रोड्यूस कराई उसको हमने वेस्ट बास्केट बना दिया चूंकि हम और मजीद स्टेंग एक्सेप्ट करवाना नहीं चाह रहे आप देख रहे हैं कि वेस्ट बास्केट में वन पे लेबल ए बी के लिए लूप दिखा दिया गया है और फाइनल स्टेट पे ए और बी आने के लिए भी हमने उसको वन से मिला दिया ऐसा करने से ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टिंग एक्सेप्ट कर रहा है सो विच शोस दैट दिस एफए हेल्प्स इन बिल्डिंग एन एफए एक्सेप्टिंग ओनली वन लेटर अगर आपने एक लेटर एक्सेप्ट करवाना हो तो इसी किस्म के एफ बनाए जा सकते हैं अजीज तलबा हमारा सिंपल एग्जाम्पल्स का सिलसिला जारी है और मैं चाहूंगा कि नल स्टिंग को सिर्फ एक्सेप्ट करवाने के लिए अल्फाबेट कुछ भी हो सकती है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एफ क्या होगा आइए सिलाइड की तरफ चलते हैं

इस पर ए और बी की ट्रांजिशन डेफिनेटली लेटर ए और बी एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए हमने एक नॉन फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस कर उसको मिलवा दिया और जो स्टेट इंट्रोड्यूस कराई उसके लिए ए बी का लूप दिखा दिया तो ये एफ ए गलबन में पहले भी आपको बता चुका हूं ये वही एफ ए हम एफ ए की एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर चुके थे बहरहाल यहां इसको दोहराना जरूरी था और आप देख रहे हैं कि सिर्फ नल स्टिंग एक्सेप्ट कर रहे जे स्टूडेंट्स हमने सिंपल एग्जाम्पल्स देखी अब मैं ये चाहूंगा कि कोई भी रेगुलर स्पेशन दे दी जाए चूंकि कोई भी रेगुलर स्पेशन आप लें वो या तो सिंपल रेगुलेशन होगी या दो रेगुलर स्पेशन की का सम होगी या दो की कंकटिनेशन होगी या किसी एक का क्लोजर होगी या इनकी कम्बिनेशन होगी तो अब किस तरह से सिस्टमेटिकली कोई एफए ए इन जनरल बनाया जा सकता है क्या कोई ऐसा फॉर्मूला कोई मैथड एग्जिस्ट करता है कि हम उस रेगुलर स्पेशन के पार्ट्स कर लें सिंपल पार्ट्स में उनको डिकम्पोज कर लें और सिंपल पार्ट्स के लिए एफ बना लें और उसके बाद कनकेटिनेशन के लिए एफ बना लें उनके यूनियन के लिए एफ या सम के लिए एफ बना लें या क्लोजर के लिए फे बना लें तो इसका जवाब हाँ में है आइए इस डिस्कशन को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं क्लिन थेरम पार्ट थ्री कंटिन्यूड है हमारा सिलसिला जारी है और मैं लिख रहा हूं कि एज इफ आर एंड आर आर रेगुलर स्क्रेशन देर साम कैनकेटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ वन ऑफ दीज दायरा दोनों क्लोजर तो नहीं होगा आर ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन ये बात हम पहले भी कर चुके हैं यहां दोहराने का मकसद वही जो मैंने आपको अभी बताया सो एन एफ ए कैन बी बिल्ड फॉर एनी रेगुलर एक्सप्रेशन इफ द मैथड्स कैन बी डिवेल्प्ड फॉर बिल्डिंग द एफ एस कोरस्पॉन्डिंग टू द सम कैन कैटिनेशन एंड क्लोजर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन एलोंग विद देअर एफ एस कहा जा रहा है कि अगर आपको रेगुलर स्पेशन के कॉरस्पोंड एफ दे दिए जाएं, तो आप रेगुलर स्पेशन के सम के लिए एफ बनाने का कोई मेथड डेवलप कर लें, रेगुलर स्पेशन कंकेटिनेशन के कॉरस्पोंड एफ बनाने का मेथड डेवलप कर लें रेगुलर स्पेशन के क्लोजर के लिए एफ बनाने का अगर मैथड डेवेल्प कर लें तो फिर किसी भी रेगुलर स्पेशन के लिए एफ बनाया जा सकता है दीज थ्री मैथड्स आर एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग डिस्कशन मैथड वन यूनियन ऑफ टू एफ यहां हम चाह रहे हैं यूनियन कल इस्तेमाल कर लिया बेसिकली यूनियन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है और यहां एफएस की यूनियन से मुराद दो लैंग्वेज की यूनियन के लिए एफए ए बनाने सो यूजिंग द एफएस एस कॉरस्पोंडिंग टू आर वन एंड आर टू एंड एफ कैन बी बिल्ड कॉरस्पोंडिंग टू आर प्लस आर दिस मैथड कैन बी डिवेलप्ड कंसिडरिंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स मैंने जिक्र किया है कि हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें दो रेगुलर स्पेशन के कोरोस्पॉन्ड एफ ए गिवन होंगे हम उन रेगुलर पे, रेगुलर स्पेशन के सम के कॉरस्पोंड एफ ए बनाने की कोई टेक्निक डिस्कस करेंगे थ्रू सर्टेन एग्जांपल। तो इसके लिए जहन में रखें कि जब आप रेगुलरपेशन की बात कर रहे हैं तो उनकी कोई ना कोई लैंग्वेजेस भी हैं और रेगुलर स्पेशन के सम के लिए जो लैंग्वेज बनती हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग लैंग्वेज का यूनियन होती है और चूंकि रेगुलर स्पेशन एग्जिस्ट करती है इसलिए एफ एग्जिस्ट करता है तो हम इनके एफ बनाएंगे और उन लैंग्वेज के यूनियन के कॉरस्पॉन्ड एफए बनाने के लिए कुछ डिस्कशन करेंगे थ्रू एग्जांपल पर्टिकुलर एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप उस एग्जांपल को सामने रखते हुए मेथड को भी फॉलो कर सके तो उस एग्जांपल के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते लेट आर वन इक्वल टू ए प्लस स्टार बी डिफाइन्स द लैंग्वेज एल एंड द एफ दिखाया जा रहा है आपको एफ ए डायग्राम में एंड आर टू बी इक्वल टू ए प्लस बी होल स्टार डबल ए इंटू ए प्लस बी होल स्टार डिफाइन्स द लैंग्वेज एल टू एंड एफ ए टू बी वो नीचे दिखाया जा रहा है यहां आपको दो रेगुलर एक्सप्रेशन और कॉरस्पोंड लैंग्वेजेस को हमने उसी तरह से एल वन और एल टू कह दिया और कॉरस्पोंडिंग एफ एस को एफ ए वन और एफ ए टू कह दिया तो हमें दोनों रेगुलर क्वेश्चन के एफ एजन हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इन लैंग्वेजेस को पहचान चुके होंगे पहली लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन बी है और दूसरी लैंग्वेज लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग डबल ए है और इनके एफ भी इसी तरह हम डिस्कस करते चले आए हैं हम देख रहे हैं कि दो एफ आपको स्लाइड पर दिखाए गए पहले एफ के लिए हमने एक्स वन लेबल यूज किया और दूसरे एफ के लिए y1, y2, y3 ये लेबल्स यूज किए ये लेबल बड़े अहम हैं जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग रिक्वायर्ड एफ को डिटरमिन करने के लिए यही लेबल हेल्प करेंगे अब जो मेथड हम डिस्कस करना चाह रहे हैं बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि जो रिक्वायर्ड एफ है उसमें एक्सेप्ट होने वाली स्ट्रिंग दिए गए एफ में एक्सेप्ट होने वाले स्टेंग का यूनियन अब यूनियन ऑफ टू लैंग्वेजेस की डेफिनेशन है कि L1 यूनियन L2 टू इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स आईदर बिलोंगिंग टू L1 और L2 और बोथ इसी को सामने रखना है तो हमारा टारगेट ये होगा कि चूंकि यूनियन ऑफ लैंग्वेज की बात की जा रही है तुझे रिक्वायर्ड एफए की इनिशियल स्टेट है वो ऐसी स्टेट होनी चाहिए जहां से जो एफ वन की इनिशियल स्टेट के लिए भी काम कर सके और एफ टू की इनिशियल स्टेट के लिए भी काम कर सके और वर्ड द इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ शुड कोरोस्पोड टू आई इनिशियल स्टेट ऑफ एफ वन और इनिशियल स्टेट ऑफ एफ टू अब इस कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आईए स्लाइड की तरफ चलते हैं लेट एफ बी एन एफ ए टू आर प्लस आर हमने रिक्वायर्ड एफ ए को एफ ए थ्री कह दिया देन द इनिशियल स्टेट ऑफ एफ एस्ट कॉरस्पोंड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए वन और द इनिशियल स्टेट ऑफ एफ ए टू ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई सिंस द लैंग्वेज कॉरस्पोंडिंग टू आर वन प्लस आर टू इज द यूनियन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेजेस एल वन एंड एल टू कंसिस्ट ऑफ स्टेंगस बिलोंगिंग टू एल वन और एल टू और बोथ

ये नया एफ ए बाकी दिए गए दोनों एफ ए से मुख्तलिफ होगा ये समाइम इट मे बी सेम इफ वन ऑफ द लैंग्वेज इज एम टी अगर एक लैंग्वेज एम टी हो जाए तो डेफिनेटली ये इसकी यूनियन इन दोनों में से कोई एक ही लैंग्वेज होगी और इस तरह से रिक्वायर्ड एफ ए इन दोनों एफ ए में से कोई एक एफ ए हो सकेगा तो इसलिए यह कहा जा रहा है कि सिंस इन जनरल एफ ए थ्री विल बी डिफरेंट फ्रॉम बोथ एफ ए वन एंड एफ ए टू सो द लेबल्स ऑफ स्टेट्स ऑफ एफ ए थ्री मे बी स्पोस्ड to be Z1, Z2, Z3 and so on, where Z1 is supposed to be the initial state. Since Z1 correspond to the states X1 or Y1, so there will be two transitions separately for each letter read at Z1. Aziz Talba, abhi humne dekha ke Z1 ko required a fake initial state karar diya. और देर आर टू पॉसिबिलिटीज फॉर z1, इट मे बी द इनिशियल स्टेट ऑफ fa1, ए वन दैट इज एक्स इट मे कॉरसपॉन्ड टू द इनिशियल स्टेट ऑफ fa2, ए टू दैट इज वाई अब दोनों एफ में लेटर a और b की अलग अलग ट्रांजेक्शन x1 और y1 पे दिखाई दे रही थी अब यहां z1 पे a के लिए दो पॉसिबिलिटीज आएंगी और b के लिए दो पॉसिबिलिटीज आएंगी ए की दो पॉसिबिलिटीज में से एक एक्स वन के लिए दूसरी वाई वन के लिए इसी तरह से जेड वन पर जब हम वाई वन की बात करते हैं और एक्स वन की बात करते हैं तो वहां भी अलग अलग हमारे पास बी की दो ट्रांजेक्शन आएंगी इसको देखते हुए चूंकि गिवन एफएस को यूज करना है और हमने इनिशियल स्टेट को स्टार्ट करके ए और बी की ट्रांजेक्शन डिटर्मिन करनी है तो इसके लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते हैं

इन एफएस को देखते हुए ये डिटरमिन करनी है तो जैसे कि ट्रांजिशन टेबल बनाया जाता है यहां सिर्फ एक कॉलम के लिए एक स्टेट की ट्रांजेक्शन आपको दिखाई जा रही हैं और वो जेड वन के लिए नॉट जेड वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्स वन वाई वन और जेड वन इनिशियल स्टेट भी है क्योंकि एक्स वन वाई वन इनिशियल स्टेट थी और मैं कह चुका था कि रिक्वायर्ड एफ की इनिशियल स्टेट गिवन एफ की इनिशियल स्टेट के कॉरेस्पॉन्ड होगी Now, we have to determine the transitions for both A and B when we read this letter at Z1. Since Z1 contains two possibilities, X1 and Y1, so we have to determine both possibilities for A. A ke liye alag -alag hum X1 or Y1 ki transition get Or X1, Y1 ke A ki transition hum diagram se they FA1 may एट एक्स वन विल बी स्टिल एक्स एक्स वन तो उसके लिए एक पॉसिबिलिटी एक्स वन आ गई और इसी तरह एफ ए टू में इफ यू रीड ए एट वाई वन विल बी मूविंग टूवर्ड्स वाई टू तो इन दो स्टेट्स के लिए ए लेटर रीड करने की दो नई स्टेट्स आई जो तरतीब बार एक्स वन और वाई टू हो सकें यानी एक्स वन के लिए एक्स वन और वाई वन के लिए वाई टू अब ये नया कम्बिनेशन डिफरेंट है एक्स वन वाई वन से तो इस नए कम्बिनेशन को जेड वन नहीं कह सकते तो अपनी आसानी के लिए हमने एक और नई स्टेट का नाम दे दिया क्योंकि जाहिर है एफ बनाना चाह रहे हैं इनिशियल स्टेट पर ए रीड करना है दे आर टू पॉसिबिलिटीज आई विल बी देयर विल बी मूविंग टूवर्ड समेट सो वी हैव सीन हेयर दैट एक्स वन इज नॉट सिमिलर टू एक्स वन वाई वन इज नॉट एक्जैक्टली इक्वल टू एक्स वन वाई वन सो इट कैन नॉट बी स्पोज टू बी जेड वन तो इसका नाम हमने जेड टू रख दिया यहां मैं बताता चलू कि जो पहला कॉलम था उसमें हमने जेड वन को पहले कहा और बाद में जो आप तीन लाइने देख रहे हैं कॉन्ग्रेंट का निशान है ये कॉरेस्पॉन्डिंग का निशान है कि जेड वन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एक्स वन वाई वन जबकि बाद में कॉलम ए के लिए जो हमने लिखा है कॉम्बिनेशन वो एक्स वन वाई टू पहले लिखा है और ये कांग्रेस का निशान जो तीन लाइनों वाला है इसको बाद में लिखा है और जाहिर है चूंकि एक्स वन वाई टू एक्स वन वाई वन से डिफरेंट है इस पॉसिबिलिटी को जेड वन तस्वर नहीं किया जा सकता तो डेफिनेटली जेड वन से मुख्तलिफ अगर कोई स्टेट आ सकती तो उसको हम आसानी के साथ जेड टू कह सकते हैं और इसलिए हमने इसको जेड टू लिख दिया द नेक्स्ट टारगेट इज वेयर टू गो इफ वी रीड बी एट जेड वन मैं ये चाहूंगा कि अगर आपको ए की समझ आ चुकी है कि ए के लिए ट्रांजेक्शन कैसे हमने कैलकुलेट की तो आप बी के लिए भी ऑन द सेम लाइन कर सकते हैं बहरहाल मैं आपके लिए बता रहा हूं कि वेन वी रीड बी एट जेड वन वी हैव टू इंक्लूड टू पॉसिबिलिटीज एज इफ वी रीड बी एट आईदर एक्स वन और एट वाई वन अब एक्स वन एफ एफ ए वन में एग्जिस्ट करता है Y1, FA2 में एग्जिस्ट करता है दोनों के लिए सेपरेटली इफ यू रीड B एट X1, वी आर टू मूव टू X2। आप डायग्राम में देख रहे हैं आप देख रहे हैं व्हेन वी रीड B एट Y1, विल बी स्टिल देयर तो Y1 की ट्रांजिशन Y1 ही होगी तो इस तरह से इस ترتیب में जो कॉम्बिनेशन बना एक्स वन पे बी रीड करने का

कांग्रेस का या कोरोस्पांडेंस का मैंने निशान डाला है और उसके बाद जेड थ्री लिख दिया ये रो को जो हमने अभी डिफाइन की है ट्रांजिशन टेबल की फॉर जेड वन रीडिंग ए और जेड बी एट जेड वन हमें दो मूवमेंट मिली दोनों मुख्तलिफ मिल गई कि जेड वन पर अगर ए आए तो जेड टू की तरफ मूव करना है जेड वन पर अगर बी आए तो जेड थ्री की तरफ मूव करना है इसको अच्छी तरह समझ लेने के बाद अब जाहिर है कि हमने दो नई स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा दी हमें इन दोनों स्टेट्स के लिए अलहदा आलहदा ट्रांजन शो करना जरूरी है अजीज तलबा यह बड़ा अहम मरला था और मैं चाहूंगा कि इसको अच्छी तरह जहनशीन कर लें कि जो नया एफ ए है उसकी इनिशियल स्टेट का तयन करने के बाद उस पर लेटर वाइज ट्रांजेशन का का डिसन करना जरूरी है और वो डिसीजन गिवन एफएस को सामने रखकर ही किया जाएगा और हमने ऐसे ही किया कि जेड वन विच कोरस्पॉस टू एक्स वन और वाई वन इन दोनों ही पॉसिबिलिटीज को बारी बारी ए और बी के लिए हमने सामने रखा और एफएस को देखते हुए जो कम्बिनेशन मिले वही हमने ए और बी के लिए लिख दिए और चूंकि ये कॉम्बिनेशन जेड से डिफरेंट थे इसलिए इन नई स्टेट्स का नाम जेड और जेड हो गया तो अब तर अब तक जो हम स्टेट्स इंट्रोड्यूस करा चुके Z1 के बाद वो Z2 और Z3 थ्री थी जेड की दोनों ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है A और B के लिए लेकिन चूंकि ये FA है और FA में हर स्टेट और हर लेटर के लिए ट्रांजिक्शन का शो करना जरूरी है तो अब Z2 और Z3 के लिए A और B की ट्रांजेक्शन को उसी तरह कैलकुलेट करेंगे जिस तरह जेड के लिए ए और बी की ट्रांजेक्शन कैलकुलेट की और इनके लिए एफ ए वन और एफ ए टू को इस्तेमाल करना पड़ेगा तो यहां मैंने आपको दोनों एफ को एक ही डायग्राम में दिखाकर एक रो को जनरेट करना दिखा दिया अब बाकी ट्रांजेक्शन प्रोसेस वाइज आती चली जाएंगी और उनको देखने के लिए आइए स्लाइड की तरफ चलते इस ट्रांजेक्शन का जो बाकी पार्ट है आप इसमें देख रहे हैं स्लाइड में ओल्ड स्टेट न्यू स्टेट आफ्टर रीडिंग आई दरे और बी जेड के लिए हम पहले ही देख चुके हैं मैथड में आपको बता चुका हूं उस, उन दोनों डायग्राम्स को अपने जहन में रखिए अब Z2, टू विच कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वन इसके लिए A और B की अलग अलग ट्रांजिशन डिटरमिन करनी है आप देख रहे हैं टेबल में कि A के लिए जो कॉम्बिनेशन आई वो X1 Y3 है यानी इफ यू रीड A एट X1, वन विल बी एट एक्स वन इफ यू रीड ए एट वाई टू विल बी मूविंग टू वर्ड्स तो इस सीक्वेंस में जो कॉम्बिनेशन मिला एक्स वन वाई थ्री था अब डेफिनेटली ये पहली अब तक इंट्रोड्यूस की गई स्टेट से मुख्तलिफ है इसलिए इसको हमने जेड फोर से एक्सप्रेस कर दिया सिमिलरली हमें बी की ट्रांजिकशन भी कैलकुलेट करना है जेड टू के लिए उसी तरह से एक्स वन पर रीडिंग बी विल बी मूविंग टू वर्ड एक्स टू आप इसमें टेबल में देख रहे हैं एंड रीडिंग बी एट वाई टू विल बी मूविंग टू वर्ड वाई वन ये शो किया जा रहा है कि x1 के, के कोरोस्पॉ x2 आएगा और y2 के कोरोस्पॉन्ड y1 आएगा इफ यू रीड b एट दी स्टेट्स अकॉर्डिंग दू द गिवन एस उन्हीं को यूज करके लिख रहे हैं अब x2 y1 ये वही स्टेट वही कंबिनेशन है जिसको हम z3 कह चुके थे इसलिए हमने इसको कॉरस्पॉन्ड किया z3 से अजीज तलबा जब आप कंबिनेशन के बाद स्टेट का तयन करें बहुत जरूरी है कि किसी स्टेट को रिपीट ना कर यानी अगर स्टेट वो आ चुकी है पहले और उसका कोई लेबल तय हो चुका है तो वही लेबल आप दोबारा देंगे ये नहीं कि पहले उसको आपने जेड थ्री कह दिया अब दोबारा वो कॉम्बिनेशन कहीं आ रहा है अब उसका नाम आप जेड फाइव रख दें तो ये ऐसा नहीं करना जो कॉम्बिनेशन आप तय कर चुके हैं अगर वह एग्जिस्ट करता है वही लेबल आप उसको देंगे जैसा कि जेड के लिए हमने किया तो अब तक हमने तीन स्टेट्स इंट्रोड्यूस कराई थी पिछली कॉलम uh, में जो हमारे पास रो आया था ट्रांजिशन uh, टेबल की एक रो आई थी उसमें हम तीन इंट्रोड्यूस करा चुके थे Z1, Z2, Z3 और Z2 की ट्रांजिशन में हमने एक Z4 इंट्रोड्यूस करा दिया Z3 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो ये स्टेट्स बढ़ती चली जा रही हैं और ये एक स्टेट पर रेपिटेशन खत्म हो जाएगी और जूं ही रेपिटेशन खत्म होगी विल बी नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू स्टेट ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से बनने वाला ये जो ट्रांजिशन टेबल है फिर इसका एक प्रोसेस अभी रह जाएगा कि फाइनल स्टेट्स का तयन करना बाकी होगा और फिर इसकी ट्रांजिशन डायग्राम होगी फिर इसको चेक किया जाएगा कि ये वाकई हमारी रिक्वायर्ड एफ़ए बना है या नहीं यहां एक बात और बताता चलू कि आप देख रहे हैं कि जितने कम्बिनेशन आ रहे हैं उनमें शुरू में, में एक्स के लेबल आएंगे चूंकि एफ को आपने पहले यूज कर दिया और बाद में वाइज के लेबल आएंगे अब x की तादाद जो है वो दो है x1, x2 एक्स टू एंड वाईज आर थ्री वाई वन वाई आप सोचकर बताएं कि कितने कम्बिनेशन हुए मुझे उम्मीद है आपने सिक्स कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लिए होंगे x1 के लिए थ्री यानी x1, y1, y3 तीन कंबिनेशन ये मिल जाएंगे x1, y1, x1, y2, x1, y3 और तीन ही कंबिनेशन आपको x2 के मिल सकते हैं X2 Y1, X2 Y2, X2 Y3 तो टू एक्स टू बनते हैं लेकिन जो प्रोसेस मैं आपको सिखा रहा हूं इसमें इन छह कम्बिनेशन की, की ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी अक्सर ऐसा होगा यूनियन के दौरान आप सिर्फ Z1 से स्टार्ट करेंगे और जो कॉम्बिनेशन आहिस्ता आिस्ता बनते चले जाएंगे उन्हीं के लिए नई ट्रांजेक्शन ढूंढते चले जाएंगे एक स्टेज पर यह प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा होपफुली नंबर ऑफ स्टेट्स विल लेस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स जैसे कि इस केस में पॉसिबल स्टेट सिक्स हो सकेंगी लेकिन अभी आप देखेंगे कि जो प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हमने जेड वन लिया उसके बाद जेड टू आया और जेड थ्री आया ये वो कम्बिनेशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहे हैं और इस तरह से जनरेट होते हुए नंबर ऑफ स्टेट्स रिड्यूस हो सकती हैं लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत एहतियात की जरूरत है और वो ये कि जब कंबिनेशन बना रहे हों उनके लेबल बड़ी एहतियात से करें और जब उन कम्बिनेशन को डिटरमिन करें वो भी बहुत एहतियात के साथ एफ ए देखकर करें आइए मजीद डिस्कशन के लिए स्लाइड की तरफ चलते हैं हमने जेड टू की कंप्लीट ट्रांजिशन ए और बी के लिए देख ली और इस दौरान एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो गई जेड अब जाहिर है कि जेड के बाद जेड की बारी है हमने जेड थ्री विच टू एक्स टू इनकी दोनों अलग अलग ट्रांजिशन A और B की कैलकुलेट कर ली एक्स टू uh, के A के लिए जो कॉम्बिनेशन आया, वन वाई टू जो वही है जो Z2 था इसलिए हमने उसको Z2 ही लिख दिया और एक्स टू वाई वन कॉम्बिनेशन इसकी ट्रांजिशन के लिए जो कॉम्बिनेशन आ रहा है when we read B, वो एक्स टू ही है यानी Z3 ही है तो इस तरह से Z3 की दोनों ट्रांजिशन A और B कैलकुलेट कर ली और इस दौरान कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हुई बट स्टिल वी हैव Z4 और Z4 फोर कोरोस्पॉन्ड्स टू एक्स वन ये जहां मैं बताता चलू कि आप प्लस साइन देख रहे हैं इसका तयन इसकी जस्टिफिकेशन मैं एंड पर बताऊंगा कि Z3 और Z4 पर प्लस क्यों लगाया गया ये फाइनल स्टेट की इंडिकेशन है इसकी रीजन बाद में बताई जाएगी जेड तो Z4 विच कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स वन वाई थ्री इसके लिए हमने दोनों लेटर्स की ट्रांजिशन कैलकुलेट करना थी ट्रांजिशन कैलकुलेट करने का तरीका आप सीख चुके हैं जो कॉम्बिनेशन आपको A के लिए मिला वो एक्स वन वाई थ्री आप यहां देख रहे हैं और एक्स वन वाई थ्री इज नो मोर डिफरेंट फ्रॉम जेड फोर हमने इसको z4 फोर कह दिया और इसी तरह से बी के लिए इस कंबिनेशन की जो ट्रांजिशन कॉम्बिनेशन आ रहा है वो एक्स है

आपको उनकी आगे ट्रांजिक्शन भी पता थी और ए और बी के लिए हमने ये सिलसिला जारी रखा और जब भी कोई नया कम्बिनेशन आया उसका नया नाम रख दिया तो अब तक हम जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर स्टेट्स की ट्रांजिशन देख चुके हैं इस दौरान एक नई ट्रांजिशन जनरेट हो गई जिसका नाम हमने जेड फाइव रखा अब जेड के लिए भी ट्रांजिक्शन कैलकुलेट करना जरूरी है आइए उस ट्रांजिक्शन को देखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं जेड फाइव विच कोरस्पॉन्ड्स टू एक्स टू वाई थ्री इफ यू रीड ए एट जेड फाइव द कंबिनेशन ऑफ ट्रांजिशन बिकम्स एक्स वन वाई थ्री ये कम्बिनेशन स्टेट सिक्स ट्रांजिशन से मिला है एक्स वन वाई थ्री हम पहले भी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं इसका नाम जेड फोर था इसलिए हमने इसको जेड फोर रखा इसी तरह से इफ यू रीड बी एट जेड फाइव विच कॉरस्पॉन्ड्स टू एक्स टू वाई थ्री टिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट एक्स टू वाई थ्री अब एक्स टू वाई थ्री इज द सेम एज फाइव हमने उसको जेड फाइव कह दिया इस तरह से कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस ना हो सकी हमने एक सिलसिला जारी किया स्टेट्स इंट्रोड्यूस कराने का और किसी न किसी स्टेज पर कोई ना कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस हो जाती थी इस दफा हमने देखा जेड फाइव की ट्रांजेक्शन कैलकुलेट करने के दौरान कोई नई स्टेट इंट्रोड्यूस ना हो सकी इसलिए हमारा ये प्रोसेस यहां स्टॉप हो गया तो अब तक जितनी स्टेट्स हम बना चुके एफ वन और एफ टू की स्टेट्स को सामने रखते हुए वो टोटल फाइव है जबकि कॉम्बिनेशन मैंने आपको जो बताए थे वो सिक्स थे तो इस प्रोसेस में हमें एक स्टेट का फायदा हो गया यानी एक कम स्टेट का एफ हम बना सकेंगे लेबर भी कम हो गई लेकिन एहतियात ज्यादा चाहिए इस प्रोसेस में एहतियात की बहुत जरूरत है अक्सर स्टूडेंट्स एक ही स्टेट के कई नाम देते चले जाते हैं और वो सिक्स से भी ज्यादा बन जाती हैं ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मेरा एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स की तरफ से आप इस चीज का ख्याल रखिएगा तो एक मेथड तो ये है लेकिन अभी भी ये ट्रांज़िशन टेबल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमें ही की इनिशियल स्टेटस को तो हम बता चुके शुरू में वो जेड था तो विच स्टेट और स्टेट विल बी द फाइनल स्टेट उसकी बात बाकी है तो वो देखने से पहले मैं ये बता चलू उसका लॉजिक समझा दूं कि बेसिकली जो रिक्वायर्ड एफ ए लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा है दिस इज द लैंग्वेज यूनियन ऑफ टू लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाई द कॉरस्पॉन्डिंग एफ एज अब यूनियन का मतलब यह आई बिलोंगिंग टू एल वन और एल टू और बोथ इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई कम्बिनेशन ऐसा हो जो एफ ए वन की फाइनल स्टेट की तरफ आ रहा हो या एफ ए टू की फाइनल स्टेट की तरफ जा रहा हो कम्बिनेशन में शामिल हो या दोनों ही उसमें आ रहे हो तो वो फाइनल स्टेट होना जरूरी है ये एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है जिसको याद रखने की कोई मसला नहीं चूंकि यूनियन की स्टिंगस बिलोंग टू आइदर L1 और L2 और बोथ सो द स्टेट फ्रॉम द रिक्वायर्ड एफ शुड और मस्ट बी द फाइनल स्टेट इफ इट कोरस्पॉन्डस टू आइदर फाइनल स्टेट ऑफ एफ और एफ और बोथ बड़ा आसान सा तरीका हो गया इसी को हम अप्लाई करेंगे और आप देख सकेंगे इसी को सामने रखते हुए हमारे फाइनल स्टेट्स का तयन किया जा सकेगा इसको देखने के लिए दोबारा स्लाइड की तरफ चलते हैं आप देख रहे हैं कि स्टेट जो z2 है दिस इज जस्ट नॉन फाइनल स्टेट ना दिस इज इनिशियल नॉन फाइनल जेड इज फाइनल इसके फाइनल होने की वजह एक्स का शामिल होना है Z4 is final, इसमें Y3 आ रहा है, जो एफ ए टू की फाइनल स्टेट है ये दोनों ही एफ ए वन और एफ ए टू बारी बारी इनकी फाइनल स्टेट है हमने इनको फाइनल स्टेट कर दिया अभी ये सिर्फ ट्रांजिशन टेबल है हमें इसकी ट्रांजिक्शन डायग्राम भी देखना है आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जब आपको ट्रांजिशन टेबल मिल जाए किसी एफ ए का तो उसकी ट्रांजिशन टेबल को उस ट्रांजिक्शन टेबल को देखकर उसकी डायग्राम बनाई जा सकती है और डायग्राम बनाते हुए बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं बहुत सी ऑप्शंस होती हैं यूजअली स्टार्ट फ्रॉम इनिशियल स्टेट फ्रॉम लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड से आप देख रहे हैं जेड वन हमने लिया जेड टू को ऊपर ले लिया और इसी तरह जेड थ्री फोर और फाइव आपकी ऑप्शन इससे مختلف हो सकती है बार ये ट्रांजिशन जो नजर आ रही हैं ये टेबल को सामने रख बनाई गई हैं जो स्टेट फाइनल थी उस टेबल में वो यहाँ भी फाइनल कर दी गई और जो इनिशियल थी वो तो एक ही होती है वो यहाँ इनिशियल कर दी गई इनिशियल फाइनल नहीं थी इसलिए ये यहां भी फाइनल नहीं है बाकी सारे के सारे लेबल वही हैं जो ट्रांजिशन टेबल को सामने देखकर कर बनाए गए नौ अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस वेरी सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पोंडिंग टू अबव एफ में भी इन दोनों का साम कर दें क्योंकि हमने समी के लिए एफ बनाया था वही कॉरस्पोंडिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगी इसमें कोई इख्लाफ नहीं होना चाहिए अजीज़ तलबा आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए उसको देखने के लिए आई ए स्लाइड की तरफ चलते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ टी जी टू आरी हमने लास्ट टाइम मैथड बताया था कि टी जी से आरी किस तरह लिखा जाता है उसकी मज़ीद एग्जाम्पल्स आज हमने देखी और इसमें एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो डिस्कस की गई वो ईवन ईवन लैंग्वेज के टी जी से उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना थी और वहां मैंने आपको ये बताया कि आप इसके लिए एक और मेथड भी लगा सकते हैं एक इनिशियल और वही फाइनल और एक लूप के जरिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है उसके बाद हमने क्लिन थेरम पार्ट थ्री की बात की और उसकी उसके स्टेटमेंट थे कि इफ अ लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर स्पेशन इट कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाई स और सिलसिले में हमने कहा कि रेगुलर स्पेशन बहुत सिंपल भी हो सकती हैं उनके एफए बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमने सिंपल रेगुलर स्पेशन के लिए एफए uh, बनाने की एग्जांपल्स भी देखी फिर बाद में एक मेथड डिस्कस किया इन जर्नल कि अगर कोई भी रेगुलर स्पेशन दे दी जाए उसको छोटे छोटे पीसीस में स्मॉल सिंपल रेगुलर स्पेशन में हम डिकम्पोज कर सकते हैं क्योंकि हर रेगुलर एक्सप्रेशन डिफरेंट रेगुलर स्पेशन का साम कनकेटिनेशन और क्लोयर की शक्ल में लिखी जा सकती है अगर हम कोई मेथड ऐसा डेवलप कर लें जो रेगुलर स्पेशन के साम कनकेटिनेशन और क्लोजर के लिए एफ बना सके उनके कॉरस्पोंडिंग एफ के मुताबिक तो हम ऐसा कर सकेंगे अजीज तलबा आज का लेक्चर यहीं अख्ताम पजीर होता है अगले लेक्चर तक के लिए लिजाज दीजिए अल्लाह हाफिज